चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ बच्चे आके भी चले गए, ये कौन कौन गए हैं भाई? तो भाई लास्ट टाइम हमारा क्या चल रहा था आपको पता होगा। हाँ, मैंने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी तीनों आपको करने के लिए दिया था। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो तीनों की तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों की तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं छेड़ा? तो तीनों पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी रह गई। अच्छा, स्वयं की थोड़ी सी रह रही है, यानी तीसरी एक्सरसाइज पे स्वयं पहुंच गए हैं। यस ओके, तीसरी एक्सरसाइज अगर आपकी होने जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई प्रॉब्लम है बेटा स्वयं? प्रॉब्लम है क्या आपको कोई किसी भी क्वेश्चन सर, में? नहीं, जहां तक करे वहां तक तो कुछ जहां नहीं। तक करे हैं वहां के सबके आंसर आ गए। किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा? यस किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सर, एक्सरसाइज सी का 8th क्वेश्चन। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज सी पे चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज बी इसके बाद में है, एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड एक्स पी इज इक्वल टू, ये है वाई क्यूब इज इक्वल वाई की होल पावर क्यूब है इज इक्वल टू जेड की पावर सिग्मा, देन 1/p 1/q 1/σ आर इन। किसमें है ये? यानी अगर हमारे पास ये पावर्स में गिवन है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा है कि एक्स वाई जेड आर इन जी पी, तो हमें इसमें पावर्स का बताना है कि ये पावर्स जो है वो किसमें है। तो इनसे है ना बेटा, हम क्या करेंगे, ये 1/p 1/q 1/σ को लेके चलेंगे और एक रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा रिलेशन आ जाता है कोई बन के, तो हम कह देंगे कि ये जो है हमारे कौन सी जीपी में है, एपी में है या बॉट में है। तो अब मेरे को ये बताओ सृष्टि, अगर हम कहें कि क्या 1/p 1/q और 1/σ वो किसी एपी में है, तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए बताओ? कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए? देखिए, एक काम करो, इसे अगर हम मैं आपको इसमें हिंट दूंगा बेटा, उससे करके देखना आप, ठीक है? अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड आर इन जी पी, तो पहली बात तो हमें एक कंडीशन गिवेन है कि अगर ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6C का, तो एक्स वाई एंड जेड आर इन जी पी, तो आप मुझे बताओ इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी बीच वाला जो होता है हमारा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू जेड, तो हमें पता चल गया कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आना चाहिए, पहली बात। ओके, अगर ये हमारे जीपी में है तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये कंडीशन हम लेके चल सकते हैं क्योंकि उसने पहले से ही कहा है हमसे एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो ये कंडीशन हमें मिल गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहा है, आगे कहा है एंड एक्स की पावर पी इज इक्वल टू वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू जेड की पावर सिग्मा, ठीक है? तो अब ये भी हम लेके चलेंगे भाई, तो हमें दो कंडीशन गिवेन है, एक्स की पावर पी इज इक्वल टू वाई की पावर क्यू एंड इज इक्वल टू जेड की पावर सिग्मा, ये हमें सारी कंडीशन गिवेन है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो होगा वो मान लो के है, तो इसका मतलब एक्स की पावर पी इज इक्वल टू के, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई बताओ, वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, या मान लो यहां से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, पी पी इज इक्वल टू आएगा हमारा, अच्छा एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो
तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे के की पावर 1/p, सही है, के की पावर 1/p आ जाएगा। आपको पता है ना जब पावर हम इधर लेके जाते हैं तो 1/p आ जाता है, वैसे ही बताओ यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर 1/q, सेम ऐसे ही सिमिलरली y इज इक्वल टू ये आ गया, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, k की पावर 1/σ। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब मेरे को ये बताओ बेटा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, जो हमें आगे गिवेन है, क्या गिवेन है, आगे कह रहा है हाँ 1/p, 1/q और 1/σ जो है वो कैसे है, किसमें है बेटा, वो किस मतलब ये हमारे किस में है, एपी में है या फिर जीपी में है। तो अब मुझे ये बताओ, जब हमारे पास तीन नंबर्स होंगे, कौन कौन से बेटा, सृष्टि 1/p, 1/q और 1/σ, ये हमारे तीन नंबर हैं। तो देखो अगर ये एपी में है तो कौन सी कंडीशन क्वालिफाई करने चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले से ही, और अगर ये जीपी में है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, आप बताओ सृष्टि। अगर ये तीनों नंबर, एक ये और एक ये, एपी में है तो कौन सी कंडीशन क्वालिफाई करना चाहिए इसे, देखिए कंडीशन ये है इसकी, जब हमारे तीन नंबर्स बेटा एपी में होते हैं तो हमारा बीच वाला नंबर जो होता है 1/q, देखिए जब मैंने आपको बताया था इन जनरल ए बी और सी के लिए कैसे, कि जब हमारे ये तीनों के तीनों किस में होते हैं बेटा, एपी में होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू ये होना चाहिए ए प्लस सी अपॉन टू, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए बीच वाला नंबर क्या है यहाँ पे 1/q, तो 1/q किसके इक्वल होना चाहिए, 1/q इक्वल टू होना चाहिए हमारा 1/p प्लस 1/σ और डिवाइडेड बाय 2। तो जिसका हम यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, इसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 2/q, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि अगर सृष्टि कि अगर 1/p, 1/q और 1/σ हमारे एपी में है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं। और एक सेकेंड वाला देखो, अगर ये नंबर्स हमारे एपी में ना होके, भाई ये तो एपी के लिए हो गया केस, अगर ये जीपी में होते हैं तो कौन सी कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए, बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसको मैं यहां दिखा रहा हूं, क्या बेटा 1/q का स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, एंड देखिए बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है अंडर रूट ए इंटू सी के इक्वल, है ना। तो ए की जगह पे यहाँ पे 1/p रखें और किसकी, सी की जगह पे 1/σ रखें। तो देखिए अगर ये हमारे तीनों नंबर जीपी में होंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, देखिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता क्योंकि स्क्वायर लिया है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बता, पता चला आपको सृष्टि कि क्या होना चाहिए, 1/q² इज इक्वल टू 1/p σ, कब, जब ये हमारे तीनों नंबर जीपी में होंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और जब ये एपी में होंगे तो ये वाली। अब आपको बस चेक करना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके बेटा। चलिए अब हम देखते हैं चेक करके कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ देखिए सृष्टि, अभी हमें पता चला बेटा क्या, कि यहाँ पे x इज इक्वल टू k की पावर 1/p है, y इज इक्वल टू k की पावर 1/q है और z इज इक्वल टू k की पावर 1/σ है, ओके ये सारी चीजें हमें पता है। अब जब हमें ये कंडीशन गिवेन है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि x, y, z जब gp में थे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन के आ गई,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। ओके, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन, बीच वाला जो होता है वाई, ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या होता है, जो हमारे दो नंबर्स थे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर, उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब चलो एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ से, यहाँ से। देखिए ये वाला जो हमने एक्स कैलकुलेट किया था, ओके, वाई की वैल्यू यानी ये वाली हम इसमें रख देते हैं, ये जो वाई हमें गिवेन है, ओके बेटा, और जेड की वैल्यू भी हम इसमें रख देते हैं। तो आप खुद ही देख लोगे आपकी कंडीशन क्या आने वाली, आपको पता चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये अर्थमेटिक मीन बन के आएगा। ओके, इसका आंसर जो होगा वो अर्थमेटिक मीन में बन के आएगा, आप चेक करें एक बार, रख के देखें सभी वैल्यू, ये सारी की सारी कर रहे हैं ना सब। मैं एक्स सृष्टि स्वयं अजय, कर रहे हैं ना आप सब, ये मुझे ही करना है, कर रहे हैं आप सब। चलिए बताइए जल्दी कौन सा आया आंसर, आया किसी का, आया किसी का, चलिए बस मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ बेटा आपको, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं इसे बता देता हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर बता दीजिए, हाँ देखिए आपको याद होगा बेटा वाई की वैल्यू क्या आई थी, वाई की वैल्यू आई थी अभी के की पावर 1/q, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्योंकि वाई स्क्वायर में मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या है x इंटू जेड, तो x की वैल्यू क्या आई थी, k की पावर 1/p, और इंटू z की वैल्यू क्या आई थी, k की पावर 1/q। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सब k की है। ओके बेटा, तो यहाँ से k की पावर 2/q हो जाएगा और इज इक्वल टू k की पावर 1/p प्लस 1/q, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो हमने ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं बेटा अगर हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर्स जो हैं हमारी 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q आ गया, और ये कंडीशन क्या है हमारी, एपी बन रहा है ना, अभी बताया था ना एपी बनेगा तो क्या कंडीशन आएगी, तो ये वाली कंडीशन आ गई, आप देख सकते हैं। अच्छा 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 एक मिनट बेटा, यहाँ पे सिग्मा की जगह पे क्यू लिखा हुआ है, ये जो सिग्मा है आप दोबारा से क्यू ना लिखें, ये सिग्मा है। ओके, इसको सिग्मा करें बेटा, ये सिग्मा है, सिग्मा करें। ओके, सभी ध्यान दें बेटा, ये सिग्मा है, सिग्मा लिखें, क्यों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी किस में बनी, सृष्टि समझ आ गया बेटा आपको? यस सर। ओके गुड, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है सर? बी की 16। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि जीपी भी बनेगी, अगर जीपी है तो इसका मतलब वो जो मैंने अभी कंडीशन दिखाई थी वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसमें ऐसी कंडीशन कोई सेटिस्फाई होगी या नहीं वो आप चेक करके देखें। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, अगर चेक करके हम चेक कर रहे हैं और नहीं आती ऐसी कंडीशन तो वो जीपी बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका आंसर जो होगा वो यही होगा, कौन सा, एपी वाला।
क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट ए एपी वाला ही आंसर होगा. ओके चलिए. हाँ आर्यन आप क्या कह रहे थे बेटा? अजय सर बी की 16 को एक बार एक्सप्लेन कर दो. अच्छा बी यानी एक्सरसाइज 6 बी का 16. चलिए एक्सरसाइज 6 बी का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे ये है. चलिए भाई इसमें देखिए क्या है. अगर देखा जाए इसमें तो ये हमारी कौन सी सीरीज बनेगी, पहले ये चेक करें कौन सी सीरीज बनेगी. इसमें कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू है हमारा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस एंड सो ऑन, ये सब बन रहा है. ठीक है बेटा तो अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा आंसर? किसी ने किया ये? किसी ने किया या नहीं? महक आपने किया बेटा? महक आपने किया? सृष्टि आपने किया? स्वयं आपने yes, किया? सृष्टि आप अजय को ये वाला सॉल्यूशन भेज देना प्लीज. भेज देंगी? ओके सर. ओके अजय आप सृष्टि का एक बार सॉल्यूशन देखिए, अगर वो भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछे प्लीज, क्योंकि मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा अगर वो स्टार्ट हो जाए और उसके हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें. ओके चलिए बेटा सर कौन से करोगे? हाँ अब चैप्टर जो चलेगा हमारा वो चैप्टर 5th चलेगा और वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. ओके चैप्टर नंबर 5th परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है बेटा चलिए. ओके सर टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है सभी की? टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? टेस्ट तो हाँ सुपर वेटर कौन सा टेस्ट है? टेस्ट स्वयं आपको टेस्ट के बारे में नहीं पता? नहीं सर कोई नहीं बता दो. देखिए टेस्ट होने वाला था थर्सडे में, थर्सडे से वो शिफ्ट हो गया है मंडे में, तो टेस्ट होगा मंडे में और कौन सा होगा कौन से चैप्टर्स आएंगे उसमें तुझे पता होना चाहिए. बेटा किसी का माइक ऑन है? स्वयं आपके पीछे से आवाज आ रही है, आप माइक बंद करें. हाँ तो मैं कह रहा हूँ मंडे में जो हमारा टेस्ट होगा उसमें दो चैप्टर्स आने वाले हैं, मतलब जो चैप्टर हमारा इक्वेशंस वाला था उसकी यूनिट 2nd पूरी मैट्रिसेस आएगी और जो उसके बाद में हमने चैप्टर किया था वो कौन सा किया था बेटा? 1st वाला, उसमें 4 यूनिट्स थे, उसमें चारों की चारों, उसमें चारों आएंगी. हाँ चार यूनिट आएंगे उसकी वो. हाँ उसकी चारों की चारों यूनिट आएंगे बेटा, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो उसका टेस्ट भी है. ओके तो आप अच्छे से तैयारी करें मंडे में टेस्ट पे. और क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. चलिए चैप्टर 5 में देख लेते हैं बेटा क्या क्या है. आप टेस्ट में मत दिया करो एमसीक्यू. टेस्ट में एमसीक्यू ना दिया करो? नहीं सर क्वेश्चंस ही दिया करो. क्वेश्चंस ही दिया करो? पेपर में तो सर एमसीक्यू आएंगे वो तो हो ही जाएंगे, जब सॉल्व करेंगे उन्हें भी तो सॉल्व करना ही पड़ता है. बेटा टेस्ट में एमसीक्यू ही आएंगे ना आपके, एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे? नहीं तो सर सॉल्व तो उन्हें करना ही पड़ता है पेपर में, लास्ट में चेक करो. हां सॉल्व तो करना ही पड़ता है, ये बात तो है. सही कह रहे हो आप, तो इससे अच्छा प्रश्न दोगे तो सॉल्व होएगा. सॉल्यूशन ही देख लूंगा. अरे एमसीक्यू में ये है कि बच्चे का आंसर हमें मिल जाए वही काफी है. तो सर वो कैसे मिल रहा है वो थोड़ी पता है आपको? अच्छा कैसे मिल रहा है, तो चीटिंग भी करते हो आप लोग? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कि मतलब एमसीक्यू ना दो, केवल नॉर्मल क्वेश्चंस दो और वो हम आपको आंसर मतलब ताकि अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो पता लग जाए. मेहनत तो करेगा, चाहे कोई चीटिंग भी करेगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी लिखेगा तो बस. हाँ बिल्कुल सही कह रहा है स्वयं, एकदम सही कहा सर. चलिए ऐसा कर लें, क्या सभी बच्चे एग्री हैं बेटा? सर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बट हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज हो पाएगा फिर. हाँ
क्या हुआ महक? अरे यार चैप्टर नंबर नहीं मार पाएंगे। चलिए मैं चैप्टर खोलता हूँ बेटा, एक मिनट वेट करें सभी। चैप्टर नंबर 5 किधर है? चैप्टर नंबर 5 इसमें पढ़ा ही नहीं है। वैसे स्वयं एक बात है, हर कोई राजी नहीं होगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि सर आप सॉल्यूशन ले लीजिए, हर कोई उसके लिए तैयार नहीं होगा कि सॉल्यूशन करें उसके बाद में आंसर दें। और वैसे भी आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए टेस्ट का जैसे आपका एग्जाम एक्चुअल होने वाला है। ठीक है बेटा, और वैसे भी हर कोई बच्चा, अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं हो, आप समझदार हो काफी, आपको पता है कि आपका कहाँ नुकसान हो रहा है कहाँ फायदा हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे चीटिंग करेंगे उसके बाद में अपने आंसर्स भेजेंगे, है ना? एक रॉम खुल तो रहा है। चलिए बस थोड़ी देर वेट करें बेटा, मैं अभी चैप्टर नंबर 5 आपका डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये जो ICAI वाली हमारी साइट है बेटा, जहाँ पे हमें सारा सिलेबस मिल जाता है, उसमें जब हम स्टूडेंट वाले पोर्टल पे जाते हैं तो उसके बाद में कहाँ से डाउनलोड होता है सारा मटेरियल, आप बता सकते हैं क्या कोई? स्वयं क्या चीज़?
जब हम आई से आई ये आई सी ए आई और ये जो ओ आर जी पोर्टल है हमारा, जब हम इस पे जाते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स वगैरह का ये सब आता है, होम ओवर ओवर यू कमिटीज मेंबर्स स्टूडेंट्स सर आईसीआई बॉस से सर्च करो ना उसमें आ जाते हैं ICI.boss ICI.boss BOS अच्छा BOS तो ये नॉलेज पोर्टल है क्या BOS यस सर यस अच्छा तो इसमें फाउंडेशन कोर्स अच्छा यहाँ पे ठीक है ओके बेटा थैंक यू मिल गया इसका है चैप्टर नंबर 5 ठीक है चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा फाइनली डाउनलोड होके स्क्रीन पे आ गया है सभी देख पा रहे हैं क्या सभी देख पा रहे हैं बेटा अजय महक सृष्टि स्वयं यस सर ओके चलिए इसमें क्या है बेटा चैप्टर जो हमारा 5 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पहली बात तो ये कि ये कॉम्बिनेशन क्या होता है और परम्यूटेशन क्या होता है ना तो पता है कई बार ऐसी चीजें आती हैं हमारे सामने जब हमें या तो कुछ सेलेक्ट करना हो या फिर अरेंज करना हो ओके तो आपको पता है परम्यूटेशन जो होता है वो होता है अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन को हम अरेंजमेंट कहते हैं और कॉम्बिनेशन को हम सेलेक्शन कहते हैं ओके यानी जब हमारे सामने बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो हम उन्हें कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कितने वेज में हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं तो जब हम अरेंज करेंगे तो उस टाइम पे हम उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे बेटा परम्यूटेशन ओके और जब हम उसे सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन के टाइम पे हम उसे क्या कहेंगे यानी कुछ हमारी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन कहेंगे जहां सिलेक्शन आएगा वहां पे कॉम्बिनेशन ये बात आप पहले ही जान लें उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बेटा इसमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे देखें आप आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नंबर 1 ये तीन चीजें हैं आप देखें डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पहली बात तो ये कि हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो भी डिफरेंस होता है उसके बारे में समझ जाएंगे
सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन व्हेन आर ऑब्जेक्टिव आर चोजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, यानी परमुटेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, किसका, जब हम एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चूज करने का मतलब हमने चूज किया, मान लो आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमने चूज किया, अब हमें उन्हें अरेंज करना है। ओके, या फिर अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, परम्यूटेशन। एक चीज ये हो सकती है कि एन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमने क्या किया, आर ऑब्जेक्ट्स को चूज किया है, इस बार भी चूज किया है, अब हमें वो अरेंज नहीं करने, अब हमें सेलेक्ट करने। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ सेलेक्शन जो होगा हमारा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन जो होगा वो हमें देगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो सारी चीजें समझते हुए चले जाएंगे। आगे क्या है, मीनिंग एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस। तो जो हमारा परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस होगा उसके बारे में भी हम सीख लेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा कि वहां पे हमें कुछ कंडीशंस मिल जाएंगी कि हमें एन नंबर ऑफ जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से आर चुननी है, और ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि उसमें से कुछ, यानी आर में से कुछ हमारी जो है वो सेम है, मतलब सेम नंबर सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। सेम ऑब्जेक्ट्स मीन्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम मान लो बहुत सारी बॉल्स हैं हमारी, ओके, डिफरेंट बॉल्स हैं हमारी, अब हमने वहां पे एक कंडीशन ये लगा दी कि वो जो एन नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारी उनमें से 10 नंबर ऑफ बॉल्स सेम कलर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कलर आप देखिए, और फिर कह रहा है कि उसमें से चूज कीजिए कि हमारी ये जो इसका अरेंजमेंट क्या होंगे, या फिर कहने लग जाए कि परम्यूटेशन क्या होगा, तो उस केस में हमारा डिफरेंट परम्यूटेशन आएगा जब, पता है किस केस से डिफरेंट आएगा, जब हम सारी की सारी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं, सेम नहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल के बाद में। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल क्या है, देखिए हम वन बाय वन एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, किसका, ये मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, ये सारी चीजें क्या है। ओके, और परम्यूटेशन में हम ये भी पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। ओके, और ये कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड साथ ही साथ देखिए परम्यूटेशन में हम ये भी पढ़ेंगे बेटा, परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था। चलिए आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। फाइनली अजय मेरे को ये बताओ, इसमें जो इंट्रोडक्शन है तो इसमें आप देखें बेटा, सभी देखें, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स टेकिंग पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि हम एक टाइम पे कुछ पर्टिकुलर नंबर चूज करेंगे, ओके, उसके बाद में उसे अरेंज करेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। आपको पता है ए और बी, हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए ए और बी जो कि डिफरेंट है, तो इनका अरेंजमेंट जो है हमारा वो क्या आ सकता है, ए बी या फिर बी ए, तो इसके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए, दो ही हो गए। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट्स का जो परम्यूटेशन है वो क्या है, 2 के इक्वल। समझ आया, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं, इस पूरे चैप्टर में हमें दो ही ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिनका अरेंजमेंट करना होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब देखने वाले हैं बेटा। आगे चलिए, आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स बट दे रिप्रेजेंट द सेम ग्रुप, इन केस ऑफ अरेंजमेंट्स द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। तो देखिए जब हम अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम पे हम सीक्वेंस या फिर ऑर्डर को क्या करते हैं बेटा, अकाउंट करते हैं, टेकन इन टू अकाउंट। ओके, यानी उस टाइम पे हम इसे गिनेंगे अरेंजमेंट। देखिए ए और बी, भले ही हमारे ए और बी हैं, एक बॉक्स में आप देख सकते हैं ए और बी, और साथ में फिर हमने अरेंज किया है बी और ए को, ये क्या हुआ भाई,
स्वयं कहाँ गए? स्वयं कहाँ गए आप? चलिए, मेरे को लग रहा है कि बच्चे जो आए थे क्लास में इनिशियली उन्होंने ज्वाइन किया था और कम से कम 5 स्टूडेंट या 6 स्टूडेंट थे और अब सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है? महक पता नहीं सर। हाँ मुझे बताओ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है? सर नेट प्रॉब्लम। समझ नहीं आ पा रहा क्या कुछ? हाँ देखिए, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अभी उसके बारे में क्या आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि हमें समझ आना चाहिए। ओके, आपको जितना समझ आ रहा है बस उतना समझ आते हुए थोड़ा सा पेशेंस रख के जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। ओके अजय, समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ, स्वयं क्यों भग गए मेरे को ये पता होना बहुत आवश्यक है, तो मेरे को पता करके बताएं बेटा। ओके सर। चलिए, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स देखिए बेटा। यहाँ पे हम 2 रूल्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। इसमें क्या है देखिए, जब भी हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पे देखें, जब एंड लिखा आ रहा होगा कहीं पे, जैसे आप देखें, इफ सर्टेन थिंग्स मे बी डन इन m डिफरेंट वेज, यानी हमारी कुछ थिंग्स हैं जो कि डन की जा रही हैं किसमें, m डिफरेंट वेज, एंड व्हेन इट हैज बीन डन अ सेकेंड थिंग कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज। ओके, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली जो होगा। अब देखिए यहाँ पे एंड आ रहा था, आपने कीवर्ड देखा क्या, एंड कहाँ पे है एंड? देखिए ए सेकेंड थिंग कैन बी डन इन एंड डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे ये आ रहा एंड डिफरेंट वेज एंड, तो ये जो एंड है आपको नोट करना है बेटा। और अगर एंड लिखा हुआ है तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज जो फाइंड आउट करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। आप इसके लिए एग्जांपल देखें यहाँ क्या है, इफ वी कैन गो टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस। आप देखें यहाँ एग्जांपल, इफ वी कैन गो टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस एंड देन कम बैक बाय 4 डिफरेंट बसेस, यानी हम जा तो रहे हैं 5 डिफरेंट बसेस से जा सकते हैं और साथ ही साथ 4 डिफरेंट बसेस से आ सकते हैं, तो उनमें से कोई एक भी हम चुन सकते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग टू एंड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, 5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दी, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे सामने निकल के आ गए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कीवर्ड क्या आया था बेटा, एंड आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड आया वो एंड आया। ओके तो आपको ध्यान रखना है एंड कब आ रहा है और कब आ रहा है। अगर और आता है तो उस केस में हम वहां पे नंबर ऑफ वेज जब फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो उस टाइम पे हम वहां पे मल्टीप्लाई यूज ना करके क्या यूज करेंगे महक? अगर और आ रहा है तो मल्टीप्लाई यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे बेटा, एडिशन। देखिए तो आप देख सकते हैं भाई, तो यहाँ पे एडिशन रूल क्या है, इफ देयर आर 2 अल्टरनेटिव जॉब्स विच कैन बी डन इन एम वेज एंड एन वेज, आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिवली, देन इधर ऑफ 2 जॉब्स, यहाँ पे देखिए इधर आ रहा है, इधर ऑफ 2 जॉब्स कैन बी डन इन एम प्लस एन वेज। ओके अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इफ वन wants to go school by bus where there are 5 buses, और देखिए और आ रहा है यहाँ पे, आपको ध्यान देना है और कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे और आ रहा है, और 2 by auto where there are 4 autos
देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग स्कूल कितने हो जाएंगे भाई, 5 बसेस हैं या और 4 ऑटोज हैं। तो यहाँ पे हम जब टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे स्कूल जाने के, तो कितने आ जाएंगे बेटा, 5 + 4 = 9। ओके, तो इस तरीके से हमें चेक करना है जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और कहाँ आ रहा है और एंड कहाँ आ रहा है। तो ये हमारे कुछ ट्रिक्स हो जाएंगी। आगे देखिए द फैक्टोरियल, अगर हम फैक्टोरियल की बात करें भाई, तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ध्यान दे बेटा। देखिए फैक्टोरियल के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें कोई भी एक नंबर मिलेगा, जैसे मान लो n नंबर मिल गया और इसका हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम या तो ये वाला साइन यूज करेंगे या फिर हम ये वाला साइन यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल ही है दोनों जगह पे, ठीक है बेटा। एन की जगह पे हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर होगा, जैसे मान लो 9, अगर ये 9 होता है तो 9 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल आएगा। फैक्टोरियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देख सकते हैं यानी जब भी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, इस तरह से। अगर हमारा 9 लिखा है तो 9 से सारे छोटे के छोटे हमारे जो भी सारे के सारे नंबर्स हैं 9 से छोटे कहाँ तक, 1 तक, उन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। ओके, मान लो 8 लिखा होता, 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 1। 8 फैक्टोरियल कैसे, 8 फैक्टोरियल में हमारा ये 9 नहीं आएगा, बाकी के बाकी सारे के सारे हमारे नंबर्स आएंगे, यानी 8 फैक्टोरियल इसके इक्वल होगा। ओके, अब मुझे बताओ बेटा 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। अगर हम 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, मैंने कहा 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। वेरी गुड, यानी यहां से हम 5 फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये सिर्फ इतना बचेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा इन जनरल, n फैक्टोरियल बताओ किसके इक्वल होगा भाई, n फैक्टोरियल होगा बेटा, देखिए n फैक्टोरियल हमारा मींस n, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n में से 1 कम करके, जैसे हमने देखा था 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो होता है वो 9 × 8 × 7 × 6 × 5, तो वैसे ही हम अब जब n फैक्टोरियल ले रहे होंगे तो उस टाइम पे n − 1 × n − 2 × n − 3, इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा लास्ट में, कब तक, 3, 2, 1 तक। जैसे हमें पता है कि कोई भी नंबर, जब मैंने अभी 10 फैक्टोरियल अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसका मतलब 10, फिर 9 का मल्टीप्लाई, फिर 8 का मल्टीप्लाई, फिर 7 का मल्टीप्लाई और लास्ट में ये हमारा 3, 2, 1 तक ही जाएगा मल्टीप्लाई होते हुए, पता है ना आपको। चलिए हमें पता चल गया n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक काम करते हैं n फैक्टोरियल की। अच्छा मान लो हमारे पास 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू क्या होगी सभी बताएं जल्दी से कैलकुलेट करके, वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। तो 120 सर। वेरी गुड, यानी इसका मतलब हमें क्या, हमने कैसे कैलकुलेट किया, 5 × 4 × 3 × 2 और मल्टीप्लाई 1, तो हमने देखा 5 × 4 जब 20 होते हैं और 3 में जब 20 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा हमारा 60 और 60 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 120।
यानी हम कह देते हैं इसका 120 इसकी वैल्यू होगी। समझ आ गया क्या सभी को? चलिए फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना आ चुका है बेटा, अब हम आगे जा रहे हैं। क्या है आगे देखिए, इसका एग्जांपल करें। हाँ एक एग्जांपल ये वाला देखें, एग्जांपल नंबर टू जो कि हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड है। उसमें कह रहा है फाइंड 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो भाई सभी। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? सर 9 का फैक्टोरियल 36 2880 2 36 2880 यस सर यही है। अच्छा चलिए एक बार चेक करते हैं बेटा क्या आएगा। 720 देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल भी लिखा है। तो आप देखें 9 × 8 × 7 × 6 × 6 हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे आप समझे ये 9 फैक्टोरियल था, हमें पता है नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है। तो हम एक काम करते हैं ना, 9 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखेंगे 9 8 7 मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब बचे आगे के हमारे 6 7 6 5 4 3 2 और 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ही छोड़ दिया, अब हमें इसे खोलने की आगे जरूरत ही नहीं है। हमें दिख रहा है कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा 9 8 और 7 बचेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? देखिए 8 × 9 = 72 × 7 तो ये आ जाएगा 7 × 14 और 7 × 7 = 49 504 बेटा। इसका जो आंसर होगा वो 504 होगा। ओके आप देख सकते हैं आया कैसे, आया कैसे मैं ये बता देता हूँ। देखिए अच्छा आपको समझ आ रहा है बेटा कैसे आया है ना, कैसे देखिए 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 9 को हम 9 × 8 × 7 और उसके आगे 6 5 4 3 2 1 तक जाने वाले हैं। तो वो जो 6 5 4 3 2 है उसको हम क्या कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और हमें पता है 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो बचेगा क्या 9 8 7 और इनकी मल्टीप्लाई करने पे ये इतना आ जाएगा। ओके महक सृष्टि आपको समझ आ गया ना बेटा? कितने बच्चे ऐसे हैं? अच्छा महक और सृष्टि और अजय आप तीनों मेरे को ये बताओ आप फैक्टोरियल के बारे में इससे पहले जानते थे? नहीं अजय नहीं जानते थे, सृष्टि तो जानती होंगी। सृष्टि आप जानती थी बेटा? यस सर। महक भी जानती थी। ओके चलिए कोई बात नहीं, तो अजय के लिए बिल्कुल नया था तो अजय अब सीख गया होगा बेटा मुझे उम्मीद है। चलिए आगे क्या है, आगे आप चेक करें जैसे हमें 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे भी हम कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल एक्चुअली, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल तो इसे भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन शॉर्ट आप देखें ऐसे ही करेंगे 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल तो डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल तो इससे ये कट जाएगा और ये आएगा हमारा 90 × 8 और 8 × 72 तो ये आ गया 720। ओके
तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 720। समझ आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है यहाँ पे, जैसे आपको दिख सकता है बेटा, हाँ एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 3 और 4 ये हैं कुछ करने लायक एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में हमसे क्या कहा है, फाइंड x इफ 1/9 factorial + 1/10 factorial इज इक्वल टू, जो गिवन है वो है x/11 factorial। ओके चलिए, इसमें दिया है 1/9 factorial, फिर कहा है प्लस, तो प्लस बीच में आ रहा है 1/10 factorial और इज इक्वल टू x/11 factorial। सही है? तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जल्दी फाइंड आउट करो सभी। x की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे आएगी, सभी फाइंड आउट करो जल्दी से। सर क्वेश्चन दिखाना फिर से। क्वेश्चन दिखाना है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, फाइंड x इफ 1/9 factorial + 1/10 factorial इज इक्वल टू x/11 factorial। आपको ये सॉल्व करना है। ओके तो कैसे सॉल्व होगा मुझे बताएं। हो गया क्या अजय, हो गया आपका? नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं। और किसका हुआ है भाई, सृष्टि महक आपका हो गया? अब कर रहे हैं बेटा सृष्टि और महक? चलिए देखिए, जिसका नहीं हुआ है वो देख ले और जिसका हो गया है वो भी देख ले। हमने किया कैसे, कैसे करेंगे देखिए। 1/9 factorial यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे ही छोड़ें। आपको पता है 10 factorial को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 factorial। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं, 9 मतलब मल्टीप्लाई डिनोट कर रहा है। ओके आप ऐसा ना समझे कि ये डेसिमल है। ओके तो ये 10 × 9 factorial लिख सकते हैं क्या इसे? अब आगे देखें आप, x/11 factorial दिख रहा है तो इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 11 × 10 × 9 factorial। तो आप देख सकते हैं यार, हर एक टर्म में से हमारा 9 factorial नीचे से कॉमन आ रहा है। ये देखिए, तो 1/9 factorial जब हमारा कॉमन आया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे 1/10 बचा इज इक्वल टू x/, यहाँ पे क्या बचा, 11 × 10, और यहाँ पे साथ में हमने कॉमन लिया है 1/9 factorial। तो आप देख सकते हैं बेटा ये 1/9 factorial कट जाएगा और क्या बचेगा, और क्या बचेगा आगे देखें, ये आएगा हमारा 10, 11 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 11 × 10, तो 10 से 10 कट जाएगा। ओके और अब ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 × 11 और ये होगा 121। समझ आया कि नहीं अजय, आपके समझ आया बेटा? ओके सृष्टि महक आपके आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी हमें बहुत सारी चीज़ बताएगा। हाँ बेटा
सर आपने लिखा है कि x की वैल्यू 21 आई है बल्कि सर 121 है। x की वैल्यू 121 आई है तो x की वैल्यू 121 ही तो लिखा। अच्छा ये 21 लिख दिया मैंने। सर आपने सिर्फ 21 लिखा है। हाँ वो गलती से लिख गया है। आप 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। वो कह रहा है फाइंड n इफ n पे n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके देखिए यहाँ पे n माइनस 1 देखिए जो हम ये वाला फैक्टोरियल यूज करते हैं मैंने अभी आपको बताया कि हम फैक्टोरियल को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया n फैक्टोरियल को हम ये भी कह सकते हैं और n फैक्टोरियल को हम ये भी कह सकते हैं। एक्चुअली देखिए जब हम n माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे n माइनस 1 का एक साथ फैक्टोरियल करेंगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 का फैक्टोरियल हुआ। ओके तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इस तरह से लिखना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम फैक्टोरियल किसका कर रहे हैं आगे। अब अगर हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं तो जब तक हम इस n माइनस 1 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तब तक हम इस फैक्टोरियल को समझ ही नहीं पाएंगे कि n माइनस 1 का टोटल का फैक्टोरियल था। ओके तो ज्यादा अच्छा हमारा ये वाला नोटेशन रहेगा इन केस ऑफ n माइनस 1 n m माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से। ठीक है तो भाई आगे हम बढ़ रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो इसमें क्या कहा है फाइंड n इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो चलिए भाई कैसे फाइंड आउट करना है देखें आप। वो कह रहा है एग्जांपल नंबर 4 में फाइंड n इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही कह रहा है ना। चलिए हाँ कितने बच्चे कर सकते हैं इसे सृष्टि और महक आप तो कर ही सकते हैं इसे। सृष्टि और महक कर सकते हैं कि नहीं। यस सर। यस सर चलिए करके दिखाइए जल्दी से n की वैल्यू क्या ही फाइंड आउट करो। अच्छा आपको समझ आ पा रहा है बेटा। यस सर। कैसे होगा ये क्वेश्चन। नहीं पता चलिए मैं कर देता हूँ। इसमें क्या है आप देख सकते हैं n प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको इस तरह से फैक्टोरियल कर सकता हूँ और यहाँ पे 30 और देखिए एक ही नोटेशन है सेम। तो मैंने बस ये है कि मेरे को आदत है फैक्टोरियल लिखने की तो मैंने फैक्टोरियल लिखा इस तरह से लिखने की आदत है। ठीक है तो अब देखें n प्लस 1 जब मैं इसमें से कॉमन लूंगा n प्लस 1 मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा n फैक्टोरियल बचा और इज इक्वल टू ये 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है। समझ आया। ध्यान दें मैंने आपको बताया था 9 फैक्टोरियल को मैं 9 अगर बाहर लिख लेता हूँ तो वो बाद में क्या बच जाता है 8 फैक्टोरियल यानी 1 कम बच जाता है। आप देख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को मैं 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना है ना लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है n फैक्टोरियल n प्लस 1 का मैंने पहले ऐसे ही रखा और बाद में जो बचा हुआ है n बचेगा n का हमने फैक्टोरियल रखा। अब देखिए इसमें से भी मैं क्या कर सकता हूँ n प्लस 1 तो यहीं पर रहेगा अगर मैं n बाहर रखूं तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा यानी n सेम ऐसे रखा है बस n माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा इज इक्वल टू ये क्या है 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब बचा हुआ आप लिखें n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 30 बचा अब n के अंदर मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 30 आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है।
क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और ये हमें सॉल्व करना आता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता तीनों में से? अब तीनों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को सॉल्व करना आता है ना? चलिए एक बार मैं कर देता हूं, ऐसे कैसे होगा आप देखिए बेटा। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट 1 है। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट टर्म होता है यानी कॉन्स्टेंट टर्म, उसकी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, तो ये आता है हमारा 30। और फिर हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको घटा के या फिर ऐड करके हमारा यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, एन का कोफिशिएंट वो आ जाए। ओके चलिए, तो एन का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं बेटा क्या है, 1 है, और एन स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो 30 के ऐसे फैक्टर्स करें तो यहाँ पे 6 5 जा होता है और ये 5 1 जा होता है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब आप देख सकते हैं 6 5 जा 30, तो 6 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसके फैक्टर्स हो गए, साथ में जब मैं 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये क्या आता है, 1 के इक्वल। और हमें कौन सा लाना होता है, ये बीच वाला है कि नहीं, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के बेटा कई सारे मेथड्स हैं, वो आप कोई सा भी मेथड यूज करें, फैक्टराइज करें और उसकी हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए एन स्क्वायर ऐसे ही रहा, फिर क्या आ रहा है हमारा प्लस, एन को मैंने क्या लिखा 6 माइनस 1 को 6 माइनस 5 इंटू एन, और माइनस क्या था 30 था, ठीक है, और इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था 0। चलिए तो एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 6n - 5n - 30 = 0। अब देखें आप n हमारा कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये बचा n प्लस 6, माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो बचा n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 6 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं n की हमारी 2 वैल्यूज होंगी बेटा, n की वैल्यूज 2 होंगी, n इज इक्वल टू हमारा या तो 5 होगा या फिर 6 होगा माइनस का। ओके तो n की यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी और उसके बाद में हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एन हमारा ये माइनस 6 वाला नॉट पॉसिबल, और 5 जो हमारा ये है प्लस का 5 ये पॉसिबल होगा। ओके तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम परम्यूटेशन पे। भैया ये इसमें दिखा रहा है, चलिए भाई। हाँ तो अब परम्यूटेशन की बात करते हैं बेटा। फैक्टोरियल तो हम सीख गए हैं, फाइंड आउट करना कैसे करेंगे उसके एप्लीकेशन भी हम सीख गए हैं, अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए मैं आपको परम्यूटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा परम्यूटेशन के इक्वल होता है, परम्यूटेशन। ओके बेटा तो देखिए जब हम मान लो 3 नंबर्स ले रहे हैं, ए बी और सी, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो ए बी और सी आर 3 नंबर्स, तो इनके अरेंजमेंट के हमारे, इनका अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है आप मुझे बताएं।
देखिए तीन नंबर्स के लिए हम अरेंजमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो किसके इक्वल आएगा। ओके तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, एन पी आर इज इक्वल टू जो होता है वो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जब भी आपको कुछ नंबर्स दे वो कह रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, जब हमारे पास तीन तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और साथ में हमें दो एक बार में चुनने हैं। क्या कह रहा है, दो एक बार में चुनने हैं, तो उस केस में क्या होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है हमारे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कितना है बेटा, एन के इक्वल है, और हमें वन टाइम में अगर दो चुनने हैं तो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई, आर स्मॉल वाला, तो आर इज इक्वल टू क्या है हमारा, टू के इक्वल। तो देखिए एन पी आर का मतलब क्या है, एन पी आर इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है बेटा, अगर हम कह रहे हैं तीन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो तीन नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एन की वैल्यू थ्री हो गई, पी और टू, इसका मतलब क्या है कि हमने तीन में से दो पार्टिकल एक टाइम में चुनने हैं, तब हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 3p2। अब मैंने बताया था अभी फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n की जगह पे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n माइनस r मींस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और ये आ गया हमारा 3 इंटू 2 मींस 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके तो हमारे 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, समझ गए आप, यानी अगर हमारे पास NPR का फॉर्मूला हमें याद है तो हम आराम से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने फॉर्मूले की हेल्प से बता दिया, अब हम सीख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है बेटा। अभी मैंने कहा था आपके पास तीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने माना फर्स्ट वाली ए है, दूसरी वाली बी है और तीसरी वाली सी है, ठीक है बेटा। हाँ हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हैं क्या बेटा, ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं या फिर हम कह सकते हैं परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है। ओके चलिए अब मेरे को ये बताओ कंडीशन क्या लगाई थी मैंने अभी, कि तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स मेरे को वन टाइम पे चुननी है, तो मैं ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बता सकता हूँ, यानी कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेरे आ सकते हैं, तो बताइए। या तो ऐसा हो सकता है मैं ए और बी को चुन लूं, भाई दो पार्टिकल चुनने हैं तो ए और बी हो गए, या फिर ऐसा हो सकता है मैं ए और सी को चुन लूं, है कि नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है मैं बी और सी को चुन लूं, या फिर ऐसा हो सकता है मैं बी और ए को चुन लूं, ऐसा हो गया ना, या फिर ऐसा हो सकता है मैं सी और ए को चुन लूं, या फिर सी और बी को चुन लूं, ऐसा ही हो सकता है। क्या इनके अलावा कोई और अरेंजमेंट आपका आ सकता है, देखिए तीन पार्टिकल्स थे मेरे पास या तीन ऑब्जेक्ट्स थे ए बी और सी। ओके तो आपने देखा हमें एक टाइम पे दो ही ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनका अरेंजमेंट करना, तो मैंने ए और बी को क्या रखा बेटा, ए और बी यहाँ पे आ गए, ठीक है। या तो मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ कि पहले मैंने ए रखा उसके बाद में बी रख दिया, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले मैंने ए रखा और मैंने बी ना लेके सी को लिया, तो दो अरेंजमेंट तो मेरे यहाँ पे आए दो पार्टिकल्स के। अब देखिए दो अरेंजमेंट मेरे यहाँ से आ जाएंगे, या तो मैं बी और सी लूँ या फिर बी और ए लूँ, और या फिर मेरे ये वाले दो
अरेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे कितने हो गए, 6। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि मेरे को एक 7वां अरेंजमेंट दे दे, तो पता है आज के बाद जब भी हम 3 नंबर्स में से 2 यानी 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स चुनेंगे और उनका अरेंजमेंट करेंगे, तो आज के बाद वो 6 नहीं 7 हो जाएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा करके दिखा, इनके अलावा एक और नंबर ले आओ अरेंजमेंट कोई भी जो इनसे मैच ना करे, 3 नंबर्स का, ए बी और सी का, 3 ऑब्जेक्ट्स का। चलिए समझ आया आपको ये? अजय महक सृष्टि, समझ आया क्या? तो इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, परम्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स अगर हैं और हमें उनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो उसके सिलेक्शन के हमारे पास 6 अरेंजमेंट आ गए या 6 नंबर ऑफ वेज आ गए, सिलेक्शन ही मतलब अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। अब मेरे को ये बताइए, अगर यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते, 100 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें 80 चुनने हैं, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरीके से तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हर किसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कई जगहों पे। तो उनमें से जब हम कुछ क्या करते हैं, मान लो हमने कुछ चूज किए उनमें से और तब हम उनका अरेंजमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने ये वाला मेथड आपको बताया, तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैलकुलेट करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, कहाँ तक चेक करेंगे हम इस तरह से? तो अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ही बचता है, वो हमें आराम से जल्दी से कैलकुलेट करके दे देगा कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा वो है NPR। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट हमारे कितने भी हो सकते हैं और R नंबर ऑफ पार्टिकल हम एट अ टाइम चुन रहे हैं, एट ए टाइम, एक ही टाइम पे, और तब जाके उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कहता हूँ बेटा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेटा कितनी है, 5, और आपको 3 एक टाइम पे उनमें से चुननी है, तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, जल्दी से फाइंड आउट करो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे के सारे कैलकुलेट करो। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इफ 3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर चूजन एट ए टाइम। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से करो बेटा सभी। सॉल्यूशन क्या होगा? सर थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा क्वेश्चन चेक करना है आपको, चलिए अगर
हाँ बच्चों, कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर आ चुका है? कितनों का आंसर आया? सृष्टि का आ गया है। सृष्टि, क्या है आंसर आपका? 60 ऐसा लग रहा है, सृष्टि आ गया है। सृष्टि का आंसर जो आया वो 60 आ गया। चलिए, और किसका आया? सर मेरा भी 60 आ रहा है। महक का भी 60 आया है। और बाकी अजय आपका क्या आया बेटा? अब देखिए, अगर हमारे पास फॉर्मूला ना होता तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वैसे ही वे में फाइंड आउट करते, जैसे मैंने अभी बताया था एक प्रैक्टिकली, है ना बेटा? तो उस तरीके से ये सारे 60 अरेंजमेंट कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही हार्ड हो जाता। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है, हम उसकी हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। ओके, तो अजय आपका 60 आ गया बेटा या नहीं? नहीं सर। नहीं आया, तो इसका मतलब आपको मेथड लगाना नहीं आया। हाँ चलिए, तो हम इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो दिए हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो 5 है, और उनमें से हमें चूज कितनी करनी है? 3 चूज करनी है। तो अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो n की वैल्यू 5 दे दी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चूज कितनी किए हैं बेटा? 3 हमने चूज किए हैं, तो वो r होता है, r। तो इसका मतलब जब हम npr फाइंड आउट करेंगे तो npr क्या होगा? हमें पता है फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ओके, तो अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेटा। 5pr जो होगा हमारा वो टोटल नंबर ऑफ 5p3 जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और जिसमें से हमें एक टाइम पे 3 ऑब्जेक्ट ही चुननी है। ठीक है, तो चलिए, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। देखिए, मैंने 2 फैक्टोरियल ही छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल ही बनने वाला है, क्योंकि 5 में से जब 3 जाएगा तो ये 2 फैक्टोरियल बचेगा, और 2 फैक्टोरियल से हमारा 2 फैक्टोरियल खत्म। और यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा कितने होते हैं 20, और 23 जा 60, तो 60 इज द राइट आंसर। सृष्टि और महक का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बेटा, अब हमारा टाइम हो गया है, तो आप ध्यान रखें कि अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है, और नए चैप्टर में हमने कम से कम फैक्टोरियल के बारे में और साथ ही साथ परम्यूटेशन के बारे में जान लिया। ओके, तो आप सभी जो भी एक्सरसाइज हमारी 5A है, उस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखें। जो क्वेश्चन हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है वो आप मुझसे पूछें। ठीक है, आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करें, और आपके साथ में जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें थोड़ा बता दो कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह से थोड़ी ना कि बीच में आप चले जाओगे। ये स्वयं है, कभी नहीं जाता, लेकिन इस बार ऐसा किया इसने कि बीच में से ही चला गया। क्यों? नया चैप्टर नेट प्रॉब्लम थी। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बीच में से चला गया, तो इसका मतलब पता है क्या है? उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कल मैं कराऊंगा तो उसे कुछ समझ नहीं आ पाएगा। ओके, तो सभी बच्चों को आप सभी को समझ आना चाहिए कि बेटा मैथमेटिक्स की क्लास लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर आपको ये वाले क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज में से कम इतने क्वेश्चन करा दीजिए, या फिर इस तरीके से कराइए, जो भी आपको कुछ कमी लग रही है, भाई ऐसा हो सकता है कि कुछ कमी लग रही हो, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं, उस कमी को मैं ही दूर कर सकता हूं, और कोई नहीं करेगा। ओके, चलिए, अब हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं बेटा। आप अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। गुड बाय। Bye, sir.